यहाँ पर देखिए हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले आपको पेटीकोट, ब्लाउज, फुटवेयर सब कुछ वेयर करना है। अब ये साड़ी का हमारा पल्लू वाला पोर्शन है एंड ओवरऑल साड़ी पे आप देखेंगे ना तो इस तरह की प्रिंटिंग बनी हुई है और इसका फैब्रिक ऑर्गेन्जा का है। सो हमें साड़ी का इस तरीके से एंड सिरा लेना है। यहीं से हम साड़ी ड्रैप करते हैं। तो देखिए राइट साइड में पहले मैंने साड़ी के कॉर्नर को टक किया एंड पार्ट को। इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से टकिंग करेंगे। अपनी हाइट को चेक करते हुए आपको टक करना है। जब आप फ्रंट पार्ट अच्छे से इस तरीके से टक कर लीजिए तो साड़ी को यहाँ पर उठाना है और लेते हुए देखिए वन राउंड लेंगे और सामने की तरफ टाइटली से खींचते हुए राइट साइड में अपनी हाइट को चेक करते हुए टकिंग करना है। इसके बाद बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में हम टकिंग करेंगे। सो इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग है ना वो काफ़ी नीट, क्लीन एंड टाइट फिटिंग होती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन तक जाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साड़ी उलट पुलट ना हो जाए। सो ये हमारा पल्लू वाला पोर्शन है। अब हम पल्लू को बैक से घुमाते हुए इस तरीके से सामने की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर मैंने गैदर नहीं किया, डायरेक्ट सामने की तरफ लेकर आए क्योंकि ये बहुत हल्की साड़ी है। अब इस साड़ी का जो हमारा पल्लू है इसके दोनों सिरे को इस तरीके से मैंने लिया है और जो मेरी राइट साइड वाला सिरा है पल्लू का इसको देखिए मैं यहाँ टमी के पास रखते हुए अपनी फोर फिंगर को फैलाते हुए इसमें देखिए स्मॉल फिंगर और जो थंब के बगल वाली फिंगर उसमें मैं वन बाई वन फंसाते हुए प्लीट बना रही हूँ। तो इस तरीके से प्लीट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये साड़ी एक तो बहुत ज़्यादा फिसलती है, दूसरी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ईजिली से प्लीट बन जाएगी। एंड इस तरीके से प्लीट बनाने के बाद जो ये ऊपर वाली प्लीट है मेरी बाकी की प्लीट से चौड़ी है आप देखिएगा, तो आपको हमेशा फ्रंट प्लीट चौड़ी रखनी है। अब मैं सभी प्लीट को इक्वल करते हुए यहाँ पर पकड़ लूँगी। तो इस ट्रिक से आप प्लीट बनाएंगी और ऑर्गेंजा साड़ी की काफ़ी ईजिली से बन जाएगी। इसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट में मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ क्योंकि ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा फिसल रही थी। सो इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाकर हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए और देखिए कितनी कम दूरी पे मैं प्लीट को अरेंज कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं नीचे नहीं गई हूँ, थोड़ी सी दूरी पे मैंने प्लीट को अरेंज किया। एंड इस वाले पोर्शन पे हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे। सो देखिए यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है। इसे मैं अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए देखिएगा प्लीट को पहले वन बाई वन इस तरीके से मैं खींच देती हूँ ताकि वो मुझे दिखाई दे, एकदम अच्छे से सेट रहे। एंड इस तरीके से झटक लेने के बाद अब मैं प्लीट को फाइनली अरेंज करूँगी। देखिए ये दोनों तरफ से आपकी प्लीट खुद ब खुद अरेंज होने लगती है जब आप इस ट्रिक का यूज़ करती हैं तो। सो जो भी हार्ड फैब्रिक की जो साड़ी होती है ना मैं उनकी प्लीट इसी तरीके से अरेंज करती हूँ। सो देखिए फिर से हमने प्लीट को अरेंज कर लिया। इस वाले पोर्शन पे मैं वापस से एक सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रही हूँ काफ़ी फूली फूली इसकी जो फैब्रिक है इसलिए मैं इसमें सेफ्टी पिन लगा कर सिक्योर करती जा रही हूँ। देखिए लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए फिर से मैं आगे की प्लीट को पहले इस तरीके से झटक रही हूँ ताकि वो मुझे नज़र आए। तो इस तरीके से आप एक बार पहले झटक कर अरेंज कर लीजिएगा रफली सा। अब हमारी प्लीट हमें देखिएगा नज़र आने लगेंगी तो हम इसे वापस से वैसे ही अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। दोनों हैंड का हम प्रयोग करते हैं, काफ़ी ईजी तरीका है और ऑर्गेन्जा साड़ी में आप इसी तरीके से प्लीट को अरेंज कीजिएगा, अदरवाइज हैंड में केवल आप लेकर इसे अरेंज करेंगी काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी फूला फूला टेक्स्चर भी होता है इसका। सो इस तरीके से देखिए फटाफट से हमारी प्लीट बनती जा रही है। एंड ये इस वाले पार्ट पे हम फिर से एक सेफ्टी पिन लगाएंगे। सो इस तरीके से हम प्लीट को अरेंज करेंगे ना काफ़ी इजीली से हमारी शोल्डर की प्लीट बन जाएगी। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज करती जाएँ। तो मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने बना ली है। इसे मैं अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए अब अपनी लेंथ को मेज़र कर रही हूँ। एंड यहाँ पर देखिए मैं घुटने से नीचे पल्लू की लेंथ रखी हूँ और ये जो मेरा सामने वाला पल्लू का पोर्शन आ रहा है अंदर वाला बॉर्डर इसको मैं ठीक करते हुए सामने की तरफ लेकर आऊँगी। देखिएगा ये हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है इसमें अक्सर मुड़ जाता है यहाँ पे, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। इस तरीके से ठीक करते हुए हम टाइटली से खींचते हुए अपने राइट वाले लेग तक लेकर जाएंगे। अब राइट वाले लेग के पास मैं लेकर जाती हूँ तो देखिएगा थोड़ा सा डाउन में हमें फैब्रिक को रखना होता है, यानी हल्का सा नीचे। इसके बाद हम एक सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर अटैच रखती हूँ ताकि हमारी साड़ी ना फटे। एंड इसके बाद जो सेकंड आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि आप पेटीकोट को लेते हुए जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएं, यानी कि जैसे हम स्टिचिंग करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगा लिया है। अब ये जो साड़ियाँ हमारे पास बच गई हैं इनकी हमें प्लीट बनानी है। तो देखिएगा नेवा से चार अंगुल आगे जाना है, यानी स्टार्टिंग का थोड़ा सा फैब्रिक हमने छोड़ा है। इसके बाद जो फर्स्ट प्लीट है इसे हम पहले चौड़ी सी इस तरीके से सेट करेंगे। ये प्लीट हमारी चौड़ी होगी एंड अब जो हम इसके अकॉर्डिंग प्लीट बनाएंगे ना वो हल्की सी पतली होगी।
ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट प्लीट होती है ना, जब भी आप चलेंगी तो देखेंगे वो बाकी की प्लीट से दूर भागती रहती है और अच्छे से सेट नहीं होती है, बट जब आप इस ट्रिक का यूज करेंगी काफ़ी ईजिली से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं प्लीट बना रही थी तो अंदर जो प्लीट मेरी है वो नहीं बन रही थी, इतना कम फैब्रिक था, तो उस एक्स्ट्रा थोड़े से फैब्रिक का हमें ज़बरदस्ती प्लीट नहीं बनानी, इस वाले फैब्रिक को मैं छोड़ रही हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, ऊपर से हमें बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए सभी प्लीट को अरेंज कर लेना है। एक बार मैं अच्छे से झटकते हुए प्लीट को देखिए इस तरीके से सेट कर रही हूँ, भी प्लीट हमारी अंदर की तरफ ना दब जाए। एंड इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला प्लीट है इसे हम ओपन करेंगे और राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम फर्स्ट प्लीट को देखिए बाकी के प्लीट से और भी ज़्यादा चौड़ी कर लेते हैं। अब हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर सिक्योर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिसलने वाली साड़ी है और आपको इस तरीके से सेट कर लेने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम प्लीट को अच्छे से झटकते हुए मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट साड़ी का अंदर पेटीकोट में टकिंग करना है। फाइनली हम वहीं पर हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप रखते हुए प्लीट को अरेंज करेंगे। इस तरीके से अरेंज कर लेने के बाद देखिएगा, हम नेवल के ठीक सामने रखते हुए पेटीकोट में सभी प्लीट को टक करेंगे। टक करते वक्त मैं प्लीट को सामने की तरफ पकड़ी रहती हूँ और साइड से टकिंग करती हूँ ताकि प्लीट इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर देखिए, हमारी जो नीचे की प्लीट है काफ़ी ज़्यादा फूली फूली आपको नज़र आएगी, तो इसे हम बाद में सेट करेंगे। पहले जो हमने शोल्डर वाली प्लीट अभी तक सिक्योर नहीं की थी ब्लाउज के साथ, इसे हम सिक्योर करेंगे। तो कमर के पास अच्छे से फैब्रिक को सेट करते हुए टाइटली से खींचते हुए अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे पल्लू को रखेंगे। एंड यहाँ पर जितना आप टाइट रखना चाहो रख सकती हैं। फिर हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। जब भी आप सेफ्टी पिन लगाएं ना, ब्लाउज के शोल्डर में 1 या 2 इंच बैक में लगाएं ताकि आपका पल्लू सामने की तरफ ना गिरे। अब एक्स्ट्रा के सेफ्टी पिन को हम रिमूव कर लेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, हम पल्लू की एक एक प्लीट को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरीके से सेट हो जाने के बाद अभी यहाँ पर हमारा देखिएगा इस तरीके से राइट की तरफ जो ओपन पार्ट है इसे भी हम टकिंग कर लेंगे पेटीकोट में। अब ये पल्लू से इस तरीके से ढक जाएगा। एंड इसके बाद हम अपनी नीचे की प्लीट को सेट करेंगे। तो देखिए, पहले हम 1 बाय 1 प्लीट को झटकते हुए अरेंज करेंगे। इस तरीके से जब आप अरेंज करेंगी तो देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रेस करना है हैंड से, क्योंकि ये फूली फूली तो ज़रूर है बट जब आप एक बार प्रेस करेंगी ना, तो मैंने देखा है साड़ी बहुत अच्छे से सेट हो गई थी और इतनी ज़्यादा लाइट वेट है कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने साड़ी वेयर की है। अब मैं नीचे की भी प्लीट को देखिए झटकते हुए इस तरीके से अरेंज कर प्रेस करती जा रही हूँ। इस तरीके से प्लीट टाइप से मैं प्रेस करती हूँ। ऐसे प्रेस करने से ना बहुत अच्छे से आपकी प्लीट यहाँ पर बैठ जाती है। अब देखिएगा, हमारी जो फूली फूली प्लीट थी ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है, बिल्कुल भी अभी आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी। एंड इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।